हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इडली ढोकला। ये है बेसन। पहले हम बेसन डालेंगे एक कटोरी। ये बेसन है, इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे सूजी आधी कटोरी। फिर हम इसमें डालेंगे शुगर। फिर इसमें कलर आने के लिए थोड़ी सी हल्दी, आधा लेमन, थोड़ा सा सोडा। अब हमने इसमें सभी चीज डाल दी हैं। अब हम इसे थोड़ा हल्के हल्के पानी से चलाएंगे इस तरीके से। एक ही साइड को चलाना है हमें कंटिन्यू। अब इस तरीके से चलाएंगे, बोलो। अच्छे से हमें इसको चलाना है, फेंटना है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। इस तरह हमारा बैटर बन गया। हम इडली ढोकला बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना है। ज्यादा ऊपर तक हमें इसको नहीं फिल करना है। ये देखिए, पानी गर्म होने के लिए हमने पहले से रख दिया था। इस तरीके से हमें इसको रख देना है और बंद कर देना है। ये 15 से 20 मिनट्स हमें इसको बंद रखना है स्टीम में। शुगर वाला पानी बनाने के लिए इसमें डालने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ी सी राई डालेंगे। ये हमने राई डाल दिया है और थोड़ी सी हरी चिली डालेंगे। आपके घर में एक छोटा बेबी है तो आप इसको पहले से ना डालें, आप बाद में भी इसको फ्राई करके डाल सकते हैं। तो मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, इसीलिए मैंने अभी ग्रीन चिली नहीं डाली है, मैं इसको बाद में डालूंगी। अब हम इसमें पानी डाल दिया, ऐड करेंगे शुगर एंड लेमन। इसमें हम पूरा एक लेमन डाल देंगे अच्छे से, थोड़ा सा कटा हुआ हरी धनिया, जिससे कि ढोकला बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखता है। आइए एक बार देखते हैं ढोकला हमारा कैसा बना है। अब हम बनाने जा रहे हैं मिर्च को फ्राई करेंगे। ये देखिए, क्योंकि हम अलग से फ्राई कर रहे हैं क्योंकि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है। इसमें मैंने थोड़ी सी राई डाली है। इसमें थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे इसमें हम। ये हमारी मसाला